दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। रीजनिंग की ये क्लास हमारी 57 रहेगी और आज की टॉपिक में हम कवर करेंगे वेन डायग्राम। आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो, चाहे रेलवे है, एसएससी है या कोई भी पेपर, डीआरडीओ वगैरह किसी भी पेपर की तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग जो है वो ज्यादा मार्क्स की पूछी जाती है, उसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी टॉपिक है। आज हम इसका पार्ट वन करेंगे और कल हम इसका पार्ट टू करेंगे और ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। कोई भी छोटा सा छोटा जो टॉपिक होगा वो भी आपका नहीं छोड़ा जाएगा, सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। 57 क्लासेस लगातार हम आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं जिसमें मैंने जितने भी मेजर चैप्टर हैं, चाहे कैलेंडर हो, क्लॉक हो, रैंकिंग हो, जितने भी डायरेक्शन हो, सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेन डायग्राम है, वेन आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में। ये दो टाइप का होता है, एक होता है लॉजिकल और एक होता है इजी। इजी टाइप हम कल कवर करेंगे, आज मैं आपको लॉजिकल टाइप कवर कराऊंगी। दोनों में से एक एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कई बार तीन क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर पेपर जो है जिसके अंदर रीजनिंग 15 से 20 नंबर की आनी है उसमें एक क्वेश्चन आता है, जिसमें रीजनिंग 30 से 35 नंबर की आनी होती है इसमें इसी टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब करना कैसे है, इस टॉपिक से पहले कल मैंने होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था आपको और मैंने आपको बोला था इनको अरेंज करके बताना है। कल या परसों की कल की वीडियो में दिया था, मैंने आपको बोला था इसको शब्द कोश के अनुसार लगाना है, यानी इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। अब कैसे इनको अरेंज करेंगे, वैसे तो मोस्टली बच्चों ने जिनका ये वाला ऑर्डर था उनका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। ये हमारा इसका ऑर्डर बनेगा, यानी कि पहले नंबर पे हमारा फोर्थ आएगा, शार्प आएगा, उसके बाद हमारा थर्ड आएगा, उसके बाद फिफ्थ आएगा, फिर सेकंड और उसके बाद हमारा फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, नीचे कई बच्चों ने बोला था मैम ये करा देना हमें समझ में नहीं आया, तो हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवाई जाएगी। भले ही आपको कमेंट ना कर पाऊं लेकिन आपके सारे कमेंट जो है वो रीड कर लिए जाते हैं और जिस बच्चे को भी कोई भी डाउट होता है उसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे क्या आएगा, हमें किसके हिसाब से लगाना है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, यानी शब्द कोश के अनुसार। अब चेक करिए मुझे शब्द कोश में यहाँ पे सारे के सारे किससे शुरू हो रहे हैं, एस से शुरू हो रहे हैं, तो पहले से तो हम डिलीट कर ही नहीं पाएंगे कि पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा। सेकंड लेटर चेक कर लिए, सेकंड पे यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एच आ रहा है और उसके बाद हमारे पास एन आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले ओ ओ एच एच और एन में से सबसे पहले क्या आता है, इंग्लिश एबीसीडी के अंदर चेक करिए सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास एच आएगा। अब एच भी किसमें है, इन दोनों में एच है, यानी इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, दोनों में एच है। उसके बाद नेक्स्ट वाला चेक करना है इसमें क्या है, इसमें ओ है और इसमें क्या है हमारा ए है। अब ओ और ए में से पहले क्या आता है, ए पहले आता है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा फोर्थ, यानी कि पहले नंबर पे फोर्थ आ गया इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। अब पहला हमारा कट हो गया, पहला कट हो गया। अब कंपैरिजन किसके बीच में था, इन्हीं दोनों के बीच में था ना, तो अगर ये कट हो गया तो दूसरे नंबर पे तो यही आएगा ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें ओ ओ एच और एन में से पहले क्या आता है, एच ही आएगा ना पहले, तो यहाँ पे ये थर्ड आ जाएगा। अब ये भी हमारा कट हो गया। अब इन तीनों में चेक करना है हमारा ओ ओ और एन में से पहले क्या आता है, पहले क्या आएगा हमारा एन ही आता है ना, तो पहले एन हो जाएगा तो यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट चेक करिए इन दोनों में ओ आ रहा है, हम पहले कौन सा ले, अब चेक करिए तीसरे वाला अक्षर यहाँ क्या आ रहा है, यू आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है हमारा सी आ रहा है, तो पहले कौन सा आता है, सी वाला आता है, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से इनका ऑर्डर आपको बताना होता है। अभी भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, कल का पार्ट अपलोड जब मैं करूंगी तो उससे पहले मैं आपको समझा दूंगी, ओके। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा वेन डायग्राम, बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, आपको आराम से समझ में आएगा। इसी टॉपिक से पहले मैंने आपको सिलोलिज्म कराया था, सिलोलिज्म मैंने आपको कंप्लीट कराया था, सारे टाइप्स के सम कराए थे मैंने सिलोलिज्म में, उसमें मैंने आपको 4 डायग्राम बताए थे जिसमें से 3 डायग्राम यहाँ पे यूज होने हैं। तीनों डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ। पहला डायग्राम मैंने आपको बताया था सम ए आर बी, यानी अगर ए का कुछ हिस्सा बी में दिखाना है तो ये डायग्राम बनेगा, सिलोलिज्म देख लेना अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम ये था ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या है, सारा का सारा ए किसमें आना चाहिए, सारा का सारा ए आना चाहिए बी के अंदर। और एक डायग्राम मैंने बताया था आपको नो ए आर बी,
नो ए आर बी, इसका डायग्राम ये था, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और इनके बीच में क्रॉस का रिलेशन दिखाना था। तीन डायग्राम मैंने बताए थे, उन्हीं तीनों डायग्राम का यूज करके हमारा पूरा का पूरा लॉजिकल वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आपको ये चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब इसके सम करें हम, कैसे सम करेंगे इसका, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, ए मैंने यहाँ पे दे दिया दो और तीन, सिंपल लेते हैं अभी हम, बाद में वो क्वेश्चन करेंगे। बी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया तीन और चार, और मैंने आपसे ये पूछा है पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो, आपको ए दिया होगा बी दिया होगा, ये पहली टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। नीचे चार ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा कि इनमें इनका डायग्राम बनाना है कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा, ये सेकंड ऑप्शन है और ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, और आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनसे डायग्राम बनाना है और कौन सा ऑप्शन सही है। अब बनाओगे कैसे, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको। करना क्या है, एक सर्कल खुद की तरफ से, आप भूल जाओ ऑप्शन क्या है, एक सर्कल खुद की तरफ से बनाइए, मैंने एक सर्कल यहाँ पे बनाया, ठीक है, दो है मेरे पास ए और बी, मैंने इसको नाम क्या दे दिया, ये सर्कल कौन सा है मेरे पास, ए का सर्कल है, ठीक है। अब ए में क्या आ रहा है हमारे पास, डिजिट कौन कौन सा आ रहा है, एक दो आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, ये ए में डिजिट आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें बी का सर्कल बनाना है, वेन डायग्राम का मतलब ही क्या होता है, हमें सर्कल बनाना है बी का सर्कल। अब चेक करिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या मैं पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा बी मैं ए में बना सकती हूँ, सोच के देखिए, बी पूरा का पूरा ए में कब बनेगा, बी पूरा का पूरा ए में तब बनेगा जब यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा होता, तीन आ रहा होता। तीन का मतलब है कि इन दोनों में सबसे कॉमन क्या है, तीन कॉमन है, तो पूरा का पूरा बी मैं इसमें बना देती। अब इसमें चार भी आ रहा है, क्या इसमें चार है, एक की जो बाउंड्री है वो सिर्फ दो और तीन आ रहा है, बी में चार भी आ रहा है, लेकिन तीन तो दोनों में कॉमन है, तीन इसके अंदर से लेना पड़ेगा और चार इसमें है नहीं, तो चार हमें बाहर दिखाना पड़ेगा, ये बी का सर्कल बनेगा, और ऐसा सर्कल जहां भी बनेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। आपको करना क्या है, जो आपको दिया होगा इससे डायग्राम बनाना है खुद से, वो डायग्राम मैच कर लेना ऑप्शन में कहां पे है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्राई करें, चलिए एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसमें ऑप्शन हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगी कि कैसे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए दिया है मैंने, ए में दे दिया वन से लेके फोर तक, एक दो तीन और चार, उसके बाद मैंने बी में दिए हैं दो पांच और छह, बी में दे दिया मैंने टू फाइव और सिक्स, उसके बाद सी में दिया है मैंने फाइव और सिक्स, ये तीन दिए मैंने यहाँ पे, इन तीनों से वेन डायग्राम बनाना है। ऑप्शन हमारे पास पहला ये है कि ये वाला सही होगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सही होगा, और तीसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि ये वाला सही होगा। तीन ऑप्शन है हमारे पास, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा, ए सही है, बी सही है या सी सही है। अब करेंगे कैसे, पहले खुद से डायग्राम बना लीजिए, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। अब इन तीनों से खुद से डायग्राम बनाइए, फिर ऑप्शन चेक करना है। अब सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल को नाम दे दो, क्या जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं ना वो नाम दे दो। सबसे ज्यादा एलिमेंट ए में आ रहे हैं तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, और इसके अंदर जो जो आ रहे हैं वो यहाँ पे लिख दो। इसके अंदर आ रहा है एक दो तीन और चार, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए जो इसके अंदर आ रहे हैं। अब मुझे किसका सर्कल बनाना है, बी का सर्कल बनाना है। चेक कर लो क्या बी का, ए का कोई एलिमेंट बी में आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसके अंदर से निकालेंगे, नहीं आ रहा तो अलग से बना देंगे। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, तो दो को इसके अंदर से निकालिए, और ये मैंने बना दिया बी। बी में कौन रह गए, एक पांच रह गया और एक हमारे पास छह रह गया, ठीक है। अब चेक कर लीजिए सी का कौन सा हिस्सा किस में कॉमन आ रहा है, अगर ए में कॉमन आ रहा है तो ए के साथ बनाएंगे, बी में कॉमन आ रहा है तो बी के साथ बनाएंगे। सी में क्या आ रहा है, पांच और छह, पांच और छह ए में तो आ ही नहीं रहा, किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, वो भी पूरा का पूरा आ रहा है, तो पूरा का पूरा सी, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सी इसमें बन जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बन रहा है, ऐसी इमेज, ये तो नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही, ये ही वाली बन रही है हमारे पास। एक इसके अंदर से सर्कल है और एक इसके बीच में है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नेक्स्ट करें, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, सम वाला रिलेशन इस प्रकार से दिखाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है शनि, शनि के बाद है ग्रह, और ग्रह के बाद है तारा।
इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, पृथ्वी शनि ग्रह और तारा, इसका वेन डायग्राम बनाना है। पहला ऑप्शन यही है हमारे पास, मैंने चार इस प्रकार से बनाए। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, ये अलग से सर्कल। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, ए बी और सी, इन तीनों में से आपने आंसर देना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस में ही चेक करने, अपने खुद का डायग्राम बनाते हैं। खुद का डायग्राम क्या बनाएंगे, पृथ्वी शनि ग्रह और तारा। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो एक सर्कल बनाते हैं, मैंने ये सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को क्या नाम दोगे वो आपके ऊपर है, पृथ्वी नाम दोगे, शनि नाम दोगे, ग्रह नाम दोगे या तारा नाम दोगे। मेरे दिमाग में इतना आया कि पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, तो मैंने इस सर्कल का नाम क्या दे दिया, ग्रह, इस सर्कल का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, पृथ्वी, पृथ्वी का सर्कल बनाना है, शनि का बनाना है और तारा का बनाना है। अब जब मैं पृथ्वी का सर्कल बनाऊंगी तो मुझे इतना पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। सारे ग्रह तो पृथ्वी नहीं हो सकती, लेकिन पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी क्या है, एक ग्रह है। अगर पृथ्वी पूरी की पूरी ग्रह है तो पृथ्वी का जो सर्कल बनेगा वो ग्रह के अंदर बनेगा, ठीक है। अब इसको पृथ्वी नाम दे के इसको ग्रह नहीं दे सकते, क्योंकि सारे ग्रह पृथ्वी थोड़ी है। पृथ्वी पूरी की पूरी किस में आएगी, ग्रह में आएगी। उसके बाद मुझे ये भी पता है शनि ग्रह है, ठीक है। अब शनि ग्रह, एक चीज और ध्यान रखनी है, एक डायग्राम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब मुझे शनि को बनाना है। शनि और जो पृथ्वी है दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट है, यानी दो अलग अलग ग्रह है। अगर इसमें से निकाल दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का कुछ हिस्सा शनि में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें इसको बिल्कुल अलग बनाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, शनि हो जाएगा। आगे समझ में, पृथ्वी और शनि दोनों ही ग्रह हैं, तो मैंने इसको ग्रह में बना दिया। दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, अगर इसको इसके बीच में से निकालोगे तो इसका मतलब है पृथ्वी का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, शनि में आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये अलग हो गया। अब मुझे तारा का सर्कल बनाना है। तारा जो होते हैं, तारे जो होते हैं, स्टार जो होते हैं, उनका ग्रह से तो बिल्कुल अलग होते हैं ना। जो स्टार होते हैं वो ग्रह थोड़ी होते हैं, तो स्टार का जो तारा का सर्कल बनेगा वो हमारा अलग से बनेगा। ये डायग्राम हमारा इसमें बन रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने सारे, स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफिकल्ट कराए हैं ताकि बाद वाले सारे तो आपको आराम से समझ में आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल सिंपल होंगे, अब आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल, अभी हम दो दो वाले करते हैं। एक है हमारे पास पुरुष और एक है हमारे पास मामा, इसका वेन डायग्राम बनाना है आपको। एक पुरुष है और एक मामा है, इसका वेन डायग्राम प्रैक्टिकल सोचना है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। दोनों अलग अलग है, ठीक है, सी बी और ए, तीन ऑप्शन है। इन तीनों में से आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिकल सोचना है पूरे चैप्टर के अंदर आपने। पुरुष और मामा, खुद से एक सर्कल बनाना है, क्या नाम दोगे इस सर्कल को, मामा नाम दोगे या पुरुष नाम दोगे, इंपॉर्टेंट बस यही है। यहीं से आपका क्वेश्चन सही और गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको, मुझे ये ध्यान आया कि मामा भी क्या है, पुरुष ही है, ठीक है, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, पुरुष नाम दे दिया इस सर्कल का। अब मुझे मामा का सर्कल बनाना है। अब मामा का सर्कल या तो मैं ऐसे बनाऊं, या मैं ऐसे बनाऊं, या मैं ऐसे बनाऊं। अगर मैं मामा को यहाँ पे बना देती हूँ, अलग बना देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मामा है वो पुरुष नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकल सोचिए, मामा जितने भी दुनिया में जो भी मामा होते हैं वो पुरुष तो होते हैं, ठीक है। जो भी मदर का जो भाई होता है उसको मामा बोलते हैं, ब्लड रिलेशन में हमने किया था और ये कॉमन सेंस है, आपको पता भी है। अगर मैं इसको अलग बना देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, अलग अलग का मतलब क्या होता है कि जो मामा है वो पुरुष नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि इतना इतना जो पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ये मामा तो पुरुष है और बाकी के जो बचे हुए हैं वो पुरुष नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, जितने भी मामा है सारे के सारे पुरुष में आने चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, कैसा सर्कल बनाएंगे हम, तो ये हमारे पास, मैंने पहला सर्कल बनाया पुरुष का, और इसी पुरुष के अंदर क्या बनेगा हमारा मामा। जितने भी मामा हैं वो सारे पुरुष हैं, लेकिन जितने भी पुरुष हैं वो सारे मामा हो ये जरूरी नहीं है, कोई चाचा भी हो सकता है, कोई ताऊ भी हो सकता है। इसलिए बड़े वाले सर्कल का नाम इम्पोर्टेंट है, जो पहला सर्कल आप बनाओगे उसको किसका नाम दोगे आप, ठीक है। तो पुरुष है, पुरुष के अंदर सारे मामा आ रहे हैं, ये वाला सर्कल बन रहा है हमारा, ये वाला नाम लिखे हुए नहीं आएंगे पेपर के अंदर, आपने अपनी तरफ से डायग्राम बना के फिर चेक करना है ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, और ऐसा डायग्राम यही बन रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करें। अगला जो है हमारे पास वो है हमारे पास मेज और फर्नीचर। नेक्स्ट है मेज और फर्नीचर।
मेज और फर्नीचर, इससे आपको वेन डायग्राम बनाना है। ऑप्शन यही है अभी भी, मेज और फर्नीचर से वेन डायग्राम बनाना है। क्या वेन डायग्राम बनेगा? पहले मैंने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल को इन दोनों में से क्या नाम देंगे? मेरे को दोनों में से इंपॉर्टेंट फर्नीचर लग रहा है। क्यों फर्नीचर इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्योंकि फर्नीचर का एक पार्ट क्या है? मेज है। मेज किससे मिलके बनेगी? फर्नीचर से मिलके तो बनेगी। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया? फर्नीचर मैंने इसको नाम दे दिया। ओके, अब मुझे मेज का बनाना है। अब सोच के देखिए, प्रैक्टिकल सोच के देखिए, क्या मैं मेज को अलग बना सकती हूँ? मेज को अलग बनाने का मतलब क्या होता है? मेज जो है वो फर्नीचर में नहीं आती। मेज, टेबल, चेयर, ये किस में आती है? सारी फर्नीचर में ही आती है ना, सारी की सारी। अगर मैं अलग बनाऊंगी तो उसका मतलब हो जाएगा मेज फर्नीचर में नहीं आती। अगर मैं हाफ इसके अंदर से लेके जाऊंगी तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ मेज फर्नीचर है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सारी की सारी मेज जो है वो क्या है? हमारी फर्नीचर है। तो पूरी की पूरी मेज इसमें आनी चाहिए। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास पुरुष और वकील। अगला डायग्राम है पुरुष और वकील। नेक्स्ट डायग्राम में आपको बनाना है वेन डायग्राम पुरुष और वकील। इससे डायग्राम बनाना है पुरुष और वकील। अब चेक करिए ध्यान से, इसका डायग्राम बनाना है। मैंने एक सर्कल बनाया। अब सर्कल बनाने के बाद आप इसको पुरुष नाम दे रहे हो या वकील नाम दे रहे हो, मुझे दोनों में से इतना ज्यादा कोई भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या नाम दूं। मैंने इसको नाम दे दिया पुरुष। ठीक है, पुरुष नाम दे दिया। अब मुझे वकील को बनाना है। अगर मैं वकील को अलग बना, वकील कौन होते हैं? हम वकील किसको बोलते हैं? डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये हम किसको बोलते हैं? अगर कोई डॉक्टर मेल है तो भी उसको डॉक्टर बोला जाता है, अगर फीमेल है तो भी डॉक्टर को। कभी आपने ये बोला मैं फीमेल डॉक्टर के पास चेक कराने जा रहा हूँ? हमेशा यही बोलते हैं ना, या मेल डॉक्टर के पास चेक करवाने जा रहा हूँ। जब भी तबीयत खराब होती है हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब डॉक्टर के अंदर मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। वही सेम वकील में भी होता है, वकील वकील ही होता है। अगर कोई फीमेल वकील है तो भी वकील ही बोला जाता है, मेल वकील है तो भी वकील ही बोला जाता है। अब अगर मैं इसको अलग से बना दूं, वकील को बिल्कुल अलग से बना दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी वकील है वो पुरुष नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% वकील जो है वो पुरुष नहीं है, वो महिलाएं हैं। कुछ वकील जो है वो पुरुष है और कुछ जो वकील है वो क्या है? महिलाएं। वकील का कुछ हिस्सा, इसका मतलब क्या है? कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है सारे पुरुष वकील हो। वही सेम बात ये है कि सारे वकील जो है वो पुरुष हो ये जरूरी नहीं है, कुछ वकील जो है वो महिलाएं भी हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे का रिलेशन ना दिखा के कुछ का रिलेशन दिखाया है। यानी इसके अंदर जो आ रहे हैं वो पुरुष तो वकील है, बाकी के जो वकील है, इसका मतलब ये मत समझना है यहाँ पे कि बाकी के जो वकील है वो पुरुष नहीं है या कोई और चीज आप सोच रहे हो। इसका मतलब है जो बाकी के जितने भी रह गए ये वाले वकील आपके महिलाएं हो सकती है या फिर ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। आज हमारे भारत में ट्रांसजेंडर को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहे हैं, जो कि एक हद तक सही भी है। ठीक है, उनको भी बराबर समान पाने का पूरा पूरा अधिकार है। आज बहुत सारे फील्ड में वो नॉर्मल इंसान के बराबर लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ जो पार्ट है वो महिलाएं भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो इसके अंदर आ रहे हैं वो पुरुष है। आगे समझ में? तो इसका डायग्राम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्कल है, क्वेश्चन है घंटा, मिनट और सेकंड। घंटा, मिनट और सेकंड, यानी आवर, सेकंड और मिनट। घंटा, मिनट और सेकंड, इसका वेन डायग्राम बनाना है। घंटा, मिनट और सेकंड का वेन डायग्राम बनाना है। जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाइए, खुद से कोशिश करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जल्दी से बनाओ इसका वेन डायग्राम। हाँ जी, जल्दी बनाइए घंटा, मिनट और सेकंड का वेन डायग्राम। अब पहले खुद से सोच के देखिए, इसमें पहले एक सर्कल बनाया, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है हमारे पास आवर। घंटा होता है, घंटे के बाद क्या होता है? घंटे के अंदर ही होते हैं, मिनट से मिलके ही बनता है ना घंटा, तो मिनट पूरा का पूरा इसमें आएगा। और मिनट जो है किससे मिलके बनता है? सेकंड से, तो सेकंड पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। यानी जहां पे आपको ये सर्कल देखने के लिए मिले वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला है खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित। लास्ट करते हैं हम, उसके बाद आप कोई भी बुक है उसमें से प्रैक्टिस करके देखना। टॉपिक समझाना इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपको टॉपिक बता दिया किस प्रकार से करना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और लास्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर विवाहित। इसका आपको डायग्राम बनाना है, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित। ठीक है, पहला डायग्राम जो है हमारे पास वो ये बनेगा,
दूसरा डायग्राम हमारे पास ये बनेगा और तीसरा डायग्राम हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अब तीनों में से बताओ कौन सा सही आंसर होगा इसका। देखिए, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विभाजक, मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को किसका नाम दे। इन तीनों में से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ क्रिकेट खिलाड़ी आ रहा है, यहाँ खिलाड़ी आ रहा है, तो मैंने इस सर्कल को नाम दे दिया खिलाड़ी का। यहाँ बनाती हूँ मैं, इस सर्कल को मैंने नाम क्या दे दिया, खिलाड़ी। क्लियर इतना, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या सारे के सारे खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हो, ये जरूरी है? ये तो जरूरी नहीं है। कुछ खिलाड़ी जो हॉकी के भी हो सकते हैं, फुटबॉल के भी हो सकते हैं, बहुत सारी गेम्स होती है, खिलाड़ी तो सभी को बोलते हैं ना। बॉक्सिंग का भी खिलाड़ी होता है, फुटबॉल का भी होता है, कुश्ती का खिलाड़ी भी होता है, सबको खिलाड़ी बोलते हैं जो प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी है वो सारे के सारे जो खिलाड़ी है, तो जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी है उनको इसके अंदर बना दो आप, ये क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी है सबको खिलाड़ी तो बोला जाएगा, लेकिन सारे खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हो ये जरूरी नहीं है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है बाहर वाला, ये कोई भी गेम के प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद मुझे किसका सर्कल बनाना है, विवाहित का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इतना चेक करना है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं शादीशुदा हो, ये तो नहीं कह सकते 100% कि वो शादीशुदा है नहीं। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी शादीशुदा हो सकते हैं, और कुछ जो बचे हुए खिलाड़ी है जिसमें फुटबॉल हॉकी कोई भी आ रहे हैं, वो भी कुछ मैरिड हो सकते हैं ना। तो मैं हम 100% ये कह सकते हैं कि वो नहीं हो सकते, और ना ही 100% ये कह सकते हैं कि सारे के सारे हैं। लेकिन इतना तो हमें पता है कि कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो कुछ का जब रिलेशन दिखाना है, आपने ध्यान रखना है, कुछ का रिलेशन इसमें अगर दिखाओगे तो सिर्फ खिलाड़ी के साथ है, लेकिन अगर इसमें अगर आप दिखा रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम और लेना पड़ेगा। ये जो हमारे पास बनेगा वो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे आप दिखाओगे, ये हो जाएगा हमारे पास विवाहित। इसका मतलब ये है कुछ खिलाड़ी शादीशुदा हैं और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी शादीशुदा है। आगे समझ में? तो ये डायग्राम बनेगा, ये मत बनाना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो सारे के सारे अनमेरिड है, आपने सिर्फ बच्चों के खिलाड़ी में से कुछ हिस्सा शादीशुदा वाला दिखाया। क्लियर हो गया? तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसके और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लासेज आपको कैसी लग रही है। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, जिनके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं उनको मैं कम्युनिटी के अंदर भी लगाती हूँ, और उनकी पोस्ट भी कर दिया जाता है कि आप लोगों की जो कमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।